हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर घुमाने वाला जो रांची में पुरलिया रोड पर एक बड़ा पहाड़ पर बना हुआ है। यहाँ विराजमान भगवान शिव पहाड़ी बाबा कहलाते हैं। तो मैं घर से निकल चला हूँ इस पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए। आप जब भी जाओगे गैस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो मैंने मारा था शॉर्टकट। शॉर्टकट मारकर मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद यहाँ पे मिलेगा आंटी। आंटी से मैंने बात की। कितना सीढ़ियाँ होगा यहाँ पे? 700 कुछ। यहाँ पे अगर जाना होगा तो पूजा वगैरह इसका सामान तो यही मिलेगा, और अगर आप पूजा के सामान लेते हैं तो 54 सौ यही मिलेगा। और गाड़ी भी आप ही देखिएगा, तो अगर आप यहाँ पे आइएगा तो गाड़ी भी आंटी ही देखेगी, और इन्हीं के यहाँ से सामान लेना पड़ेगा प्रसादी वगैरह का। Hey guys, welcome back to my another new vlog। तो मैं आज आया हूँ एक ऐसा मंदिर जहाँ पे लोगों की बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई रहती है। यहाँ पे मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज मैं एक ऐसा मंदिर में आया हूँ जहाँ पे श्रद्धालुओं को हजारों की संख्या में भीड़ रहती है, तो जिसका नाम है पहाड़ी मंदिर। पहले मैं मुख्य द्वार पे सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़कर नमन किया, उसके बाद मैं मंदिर में इंटर किया। इंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में एक भव्य सा शिवलिंग दिखाई देगी, जो कहा जाता है चांदी के धातुओं से बना हुआ है। चुकी है हमारी सीढ़ियों की जर्नी शुरू। जैसा कि आंटी ने बताया यहाँ पे 400 कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे 100 सीढ़ियाँ क्रॉस कर चुका हूँ। आप ऐसे ही बने रहो हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बातों ही बातों में देख सकते हैं आप लोग, हम लोग 200 सीढ़ियां क्रॉस कर चुकी हैं, तो आप लोग बस बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। देख सकते हो मैंने यहाँ पे 300 सीढ़ियाँ क्रॉस कर लिया। बहुत ज़्यादा मैं थक गया, उसके बाद मैं कुछ देर यहाँ पे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं आगे की जर्नी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, पहाड़ी मंदिर में स्थित 293 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया था, लेकिन बार बार फट जाने के कारण इसे फिलहाल उतार लिया गया है। तो फाइनली गैस मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ सीढ़ियों का जर्नी खत्म करके। आप देख सकते हो हमारे पीछे मंदिर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी मंदिर वाले बाबा भोलेनाथ को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं। शिवरात्रि के दिन ही इतनी भीड़ देखने को मिले, यहाँ साल के 365 दिन ऐसे ही भीड़ देखने को मिलेगी। तो मैं भोलेनाथ के दर्शन पाकर एग्जिट द्वार से बाहर आ चुका हूँ। तो ये है मनोकामना चुन्नी स्थल, जहाँ पे अगर मन में कामना करके आते हो और यहाँ पे अगर चुन्नी बांधते हो तो वो सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो श्रद्धालुओं को। चलिए, मेरे भी मन में कुछ कामनाएं, तो मैं जा रहा हूँ चुनरी बांधने के लिए। तो
गाइस मैंने बांध चुकी है चुन्नी और मैंने यहाँ पे चुन्नी बांध कर अपनी मनोकामना पूरी कर ली है। तो आप भी यहाँ पे आके मनोकामना पूरी कर सकते हो और देख सकते हो पूरा रांची कितना सुंदर सा व्यू। तो मैं आ चुका हूँ वहाँ पे जहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है। सो गाइस अगर आप महाशिवरात्रि में आ रहे हो तो जो मेन गेट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इस कारण वहाँ का गेट एक सीट जो होती है बंद कर दी जाती है और ये निकास द्वार जो कि मंदिर के ठीक ऊपर है यहाँ से ये चालू करते हैं, फिलहाल देख सकते हो ये बंद है। तो दोस्तों आप जब भी पहाड़ी मंदिर आओगे तो इस व्यू पॉइंट पे जरूर आना, यहाँ से राज्य के सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। मंदिर पे एक छोटा सा नागराज मंदिर भी है जहाँ पे महाशिवरात्रि के समय अक्सर नाग नागिन का जोड़ा देखा गया है। यहाँ मंदिर खुलने का समय सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का ही होता है। अगर आप पूजा करने के लिए आ रहे हो तो सुबह सवेरे ही आपको घर से निकलना पड़ेगा। तो गाइस मैंने करा भोलेनाथ के दर्शन पूरी, आप लोग जब भी रांची आए तो इस पहाड़ी मंदिर वाले बाबा के दर्शन जरूर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। जैसे ही वापस मुख्य द्वार आते हो तो लेफ्ट हैंड साइड माँ काली की विशाल मूर्ति दिखेगी। मुझे यहाँ कर बहुत ही शांति सुकून। अब मैं जा रहा हूँ वापस आंटी की दुकान, वहाँ से मैंने लिया अपने जूता और फिर मैं निकल चला अपनी छोटी दीदी का घर अपनी प्यारी भांजी श्री से मिलने के लिए। आप भी हमारे भांजे से मिलना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में श्री के साथ।